गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिया था, और अब हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो कि कॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, प्लस चार स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं जो कॉर्डेटा को कॉर्डेट्स में कन्वर्ट करता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ फारिंजियल गिल स्लीव्स एंड प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये चार ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स बनाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए, जब अपन आप क्लासिफिकेशन में बात करोगे तो क्लासिफिकेशन में एक्चुअल में कॉर्डेट्स के महज दो ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? ओनली टू ग्रुप होते हैं। देखा जाए कि जब बेटा ये टू ग्रुप्स होता है, तो पहला एक वो कॉर्डेट होता है जो काफी ज्यादा लोअर होता है, जिसे लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो सबसे पहला डेवलप होने वाला कॉर्डेट, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, प्रोटो कॉर्डेट देते हैं। ठीक है, और प्रोटोकॉर्डेटा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेक अ लुक, प्रोटोकॉर्डेटा के बाद सेकंड जो होता है बेटा, वो क्या होता है, वो यूकॉर्डेटा होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यूकॉर्डेटा होता है। जरा समझो कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, इस चीज को लोअर कॉर्डेट कहते हैं, और यू का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, एडवांस हो गया, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, हायर कॉर्डेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ना एक टर्म कि प्रोटोकॉर्डेट्स में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसके ग्रुप जो क्लासिफाई किए गए थे वो लोअर और हायर के बेसिस पे ही क्लासिफाई किए गए थे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस चीज को कुछ साइंटिस्ट ने कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रेन बॉक्स, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। तो बेटा जिसमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट हो, दैट इज ए क्रेनिएटा, और दूसरा में जिसमें अपन क्या कहते हैं, क्रेनिएटा। मींस वेरी सिंपल एग्जांपल, क्रेनिएटा में क्या है बेटा, ब्रेन बॉक्स, जिसे क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वही जबकि क्रेनिएटा में ब्रेन बॉक्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, क्रेनिएटा। डियर स्टूडेंट्स, क्रेनिएटा एक क्रेनिएटा के बिहाफ पर जब इस चीज का क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्लासिफिकेशन एक क्रेनिएटा का दो सब फाइलम में किया गया। कितने में किया गया डियर स्टूडेंट्स? टू सब फाइलम में किया गया। सही है सर नो? अब जो ये बेटा टू सब फाइलम है, टू सब फाइलम में सबसे फर्स्ट जो आया, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, यूरो कॉर्डेटा। क्या है बेटा? यूरो कॉर्डेटा आया, और नेक्स्ट क्या आया, दैट इज सिफेलो कॉर्डेटा आया। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जब ये दो चीज हुए, तो कहोगे कि सर यूरो कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा तो हो गया, मतलब कॉर्डेट्स के भी अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखी जाए तो वो भी जनरली क्या हो गए, एक जो कंप्लीट एडवांस हो गए यूरो कॉर्डेट्स, एंड सेकेंड दूसरा क्या हो गया, दैट इज सिफेलो कॉर्डेट्स, मतलब कि जिसके पास हेड वगैरह प्रेजेंट हुआ। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सा टर्म समझिएगा कि यूरोकॉर्डेट्स है ना बेटा, वो ये लिखना,
यू से लिखना, क्यों? क्योंकि अगर यूरो कॉर्डेट्स यू से लिखोगे तो तुम्हें क्लियर कट पता चलेगा, और एक्चुअल में यू से ही लिखाया जाता है ये, आपको एक्चुअल पता चलेगा कि यूरो कॉर्डेट्स कहीं ना कहीं टेल से रिलेटेड फीचर्स के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि यूरो का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? टेल होता है। नेक्स्ट, अब जब इसका क्रेनिएटा का सेकेंड फाइलम आता है, सब फाइलम आता है, तो बेटा इसमें भी अगर देखा जाए तो इसका एक ही सब फाइलम है। ये सब फाइलम का जो नाम होता है डियर स्टूडेंट्स, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? वर्टीब्रेट। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स इसे? वर्टीब्रेट कहते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट चीज कि अब यहां पर आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि आखिर भाई सब फाइलम है, एक में दो सब फाइलम, एक में एक सब फाइलम, तो टोटल कॉर्डेट्स के कितने सब फाइलम? तो 3 सब फाइलम डियर स्टूडेंट्स। अब समझो कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स है ये किसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया? क्लासेस पे। तो सब फाइलम जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेटा, ये ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। किसके बेसिस है डियर स्टूडेंट्स? तो ये जो था ये जॉ के बेसिस से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जॉ को साइंटिफिकली टर्म में नैथोस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? नैथोस कहते हैं या नैथस कहते हैं। सबसे फर्स्ट, एक के पास जॉ प्रेजेंट था, एक के पास जॉ एब्सेंट था, सही है सर? नो। तो बेटा जिसमें जॉ एब्सेंट था और एक में जॉ क्या थे? प्रेजेंट। अब टेक अ लुक कि जिसमें बेटा जॉ एब्सेंट था, तो आपको पहले ही बताया गया दैट इज ए। क्या है ए? नाथा कहते हैं, सही है सर? नो। नेक्स्ट क्या है? जॉ प्रेजेंट है दैट इज नेथो इस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेथो इस्टोमेटा। एग्नाथा, जिस चीज को सिंपली अपन क्या कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज एब्सेंट जॉ, जो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। तो बेटा एग्नाथा की क्या एग्जांपल है? तो एग्नाथा के बेटा दो एग्जांपल है, और दो एग्जांपल क्या है यार? वो सब फाइलम है तो जनरली क्लास होगा, ठीक है? क्लास, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? ऑस, ट्रैकोडर्मी, सही है सर? नो। नेक्स्ट सेकेंड, साइक्लो इस्टो मेटाडियर इस्टो। ओके, नाउ अब जरा देख लेना कि अब जिनके पास नेथोस प्रेजेंट है, तो बेटा जॉ जिसके पास प्रेजेंट है, इनके दो सुपर क्लास हैं। कितने सुपर क्लास है? 2 सुपर क्लास है। अब ये 2 सुपर क्लासेस का नाम ही बेटा परम होता है। क्या होता है ये 2 सुपर क्लास का? ये 2 सुपर क्लासेस। अब कहोगे कि सर 2 सुपर क्लासेस? यस डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? दे आर कॉमनली नोन एज द पाइसेस। किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? पाइसेस को कहते हैं। और दूसरा, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? टेट्रापोडा। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? टेट्रापोडा कहते हैं। अब जरा समझो कि जो पाइसेस है, पाइसेस के एग्जांपल जो हैं वो कौन कौन है? फर्स्ट है प्लेकोडर्मी, सेकंड है कॉन्ड्रिसाइथिस, थर्ड है ऑस्ट्रीसाइथिस, नेक्स्ट है डिप्नोई। नेक्स्ट क्या है? डिप्नोई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा
के तीन एग्जाम्पल हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टिलिया, एप्स एंड द लास्ट वन मैमल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्चुअल में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे, यही जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका है, क्लासिफिकेशन कॉर्डेट्स का है। कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन के बारे में डियर स्टूडेंट्स इतनी ज्यादा डिटेल में जनरली कोई लेकर के नहीं जाता, क्योंकि ये सारे वर्ड्स एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि एनसीईआरटी को समझने के लिए यू हैव टू थिंक, और आपको समझना होगा कि आखिर एनसीईआरटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट और किस टाइप में इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट दो सब फाइलम में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और कह सकते हो दो ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। पहला प्रोटोकॉर्डेट्स, जिसे अपन लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं, और तीसरा यू कॉर्डेट्स, जो कि हायर कॉर्डेट्स होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स का सेकंड एग्जांपल है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, ए क्रेनिएटा, और जबकि यू कॉर्डेट्स का नाम क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स, क्रेनिएटा। नेक्स्ट देखा जाए प्रोटोकॉर्डेट्स का ब्रेन बॉक्स, जिसमें क्रेनियम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एब्सेंट होता है, और इसमें क्रेनियम दैट इज द ब्रेन बॉक्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक क्रेनिएटा में देख लेना दो सब फाइलम पाया जाता है, पहला यूरोकॉर्डेट्स, यानी डियर स्टूडेंट्स जिसके कॉर्डेट्स के फीचर सिर्फ और सिर्फ उसके टेल पे प्रेजेंट होते हैं उसे यूरोकॉर्डेट्स कहते हैं, और दूसरा जिसका ये हेड से लेकर के नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड होता है सिर्फ हेड में, तो उसे अपन सिफेलोकॉर्डेट्स कहते हैं, क्योंकि पहले ही बताया था सिफेला का मतलब क्या होता है, हेड होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्रेनिएटास में अगर देखोगे तो ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसका सब फाइलम क्या होता है, वर्टिब्रेट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब वर्टिब्रेट्स में देखना तो जॉ जो होता है बेटा वो क्या होता है, एबसेंट होता है, दे आर कॉमनली नोन एज वॉट, नेथोस कहते हैं, जिसमें जॉ एबसेंट हुआ दैट इज एग्नाथा, और जॉ प्रेजेंट हुआ दे आर कॉमनली नोन एज द नेथोस स्टोमेटा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो आता है, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, जॉ एब्सेंट है दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, एक ऑस्ट्रेकोडर्मी है, दूसरा साइक्लोस्टोम्स है, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेकोडर्मीज दे आर कॉमनली नोन एज द आर्मर्ड फीसेस, ठीक है। नाउ साइक्लोस्टोमा, लैम्प्रे, हैगफिश, ये सब के बारे में आपने नाम सुना होगा, वो सब होते हैं। जॉ जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसे नेथोस्टोमेटा कहते हैं, जिसके दो सुपर क्लास होते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहला होता है पाइसेस, पाइसेस में प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रियोसाइथिस, ऑस्टियोसाइथिस एंड डिप्नोई। नेक्स्ट है बेटा दैट इज टेट्रापोडा में एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बातें रही क्लासेस की। अब जब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सब फाइलम्स को, कि हमारा सब फाइलम कौन कौन है डियर स्टूडेंट्स। ऑलरेडी क्या है कि ऑलरेडी मैंने बता दिया था ग्रुप्स में, तो पहले तो बेटा किस चीज के बारे में बात किया जाए, पहले तो प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में बात किया जाए, ठीक है। तो टॉपिक इज अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप विच इज कॉमनली नोन एज व्हाट, ए प्रोटो कॉर्डेट। स्टूडेंट्स टेक अ लुक प्रोटोकॉर्डेट। अब जरा समझिएगा कि प्रोटोकॉर्डेट्स को लोअर वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें क्रेनियम ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है। सो प्रोटोकॉर्डेट्स का सबसे फर्स्ट एग्जांपल, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, सब फाइलम यूरो कॉर्ड डेट्स कहते हैं, या यूरोकॉर डेटा कहते हैं। जरा समझो डियर स्टूडेंट्स, अब जब यूरोकॉर डेटास देखोगे, यूरोकॉर डेटास के एग्जांपल अगर देखोगे तो आप खुद भयभीत हो जाओगे।
दिस इज नोन एज द वॉट. दिस इज द यूरोकॉर्डेट्स. यूरोकॉर्डेट्स होते कुछ इस टाइप में है डियर स्टूडेंट्स. अब देखो बॉडी का आउटर से इनर, तो टेक अ लुक. सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखोगे तो बेटा जो कॉर्डेट्स का है वो तो चार फीचर्स होना ही है. ठीक है, कौन कौन? नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, फारेंजियल गिल स्लिट्स, ये सब सब प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स. अब देखो यूरोकॉर्डेट्स का सबसे पहले अपन आउटर पे बात करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स इसका आउटर कवरिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूनिसिन प्रेजेंट होता है. ट्यूनिसिन एक्चुअल में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है. व्हाट इज दिस? सेल्यूलोज. जो सिक्रीटेड कब होता है? तो सिक्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वेनाडियम. वेनेडियम के प्रेजेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट? सिक्रीट होता है ये. नेक्स्ट कैसा है तो आप देख लेना. कंप्लीटली मैराइन होते हैं इनके हैबिटेट. सही है सर? नो. मैराइन के बाद क्या है? इसका ब्लड वास्कुलर सिस्टम. जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है बेटा ये कैसा है? तो इसका ओपन टाइप है. ध्यान रखिएगा कैसा है ब्लड वास्कुलर सिस्टम? ओपन है. अब अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? मोस्टली सेसाइल होते हैं. ठीक है, एक जगह पर रहने वाले. सिलोमिक, सिलोम जो होता है बेटा वो सेकेंडरली एब्सेंट होता है. आ रही बात समझ में? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? लैक होते हैं. नेक्स्ट अब उसके बाद देख लेना यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फॉर्म में होता है ये. सही है सर? नो. याद रख लेना मोस्टली एसेक्सुअल अगर करते हैं तो ये किससे करते हैं? बर्डिंग से करेंगे. एसेक्सुअल इज बाय द हेल्प ऑफ बर्डिंग डेवलपमेंट. क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखना, इस चीज में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आता है जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? नियोटेनी कहते हैं. नियोटेनी का मतलब होता है बेटा लार्वल कैरेक्टर रह जाता है एडल्ट में, यानी रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एडल्ट. एडल्ट में क्या होता है बेटा? लार्वल कैरेक्टर रह जाता है. प्लस इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका दो, ये दूसरा ग्रुप है और दूसरा ग्रुप में बेसिकली दो सब फाइलम में पहला फाइलम है. तो बेटा इसके क्लासेस भी होंगे. सही है सर? नो. तो सबसे पहला क्लासेस है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? एसीडिया. ये जो एग्जांपल दिखाया गया था ये आपका एसीडिया का था. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हर्डमेनिया बेटा. ये जो सेसाइल और ये जो डायग्राम है ना, ये एक्चुअल में हर्डमेनिया का डायग्राम है जिसे अपन क्या कहते हैं? सी स्कर्ट्स कहते हैं. ठीक है, और याद रख लेना कि इसे अपन सी पोटैटो भी कहते हैं. एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इसी में प्रेजेंट है कि इसका जो टेडपोल है,
टेडपॉल सो करता है क्या? सो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड आता है दैट इज द बी। इस चीज का एग्जाम्पल है थिलेशिया। ओके, ये एक्चुअल में किस टाइप में होता है? तो बेटा पिलैगिक होते हैं, सरफेस पर फ्लोट करने वाले पिलैगिक ट्यूनिकेट्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम ट्यूनिकेट्स क्यों पड़ा? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूनिसीन, सब फाइलम इज कॉमनली नोन एज व्हाट? ट्यूनिकेट्स। तो इसका बेटा दूसरा नाम क्या चीज है यूरोकॉर्डेट्स का? ट्यूनिकेट्स भी नाम है। अब पेलेगिक ट्यूनिकेट्स होते हैं, एसेक्सुअली बर्डिंग से करते हैं। एसेक्सुअल जो प्रोसेस है वो क्या है? बर्डिंग है। से यस और नो? एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल है सालपा और डोलियोलम। से यस और नो? सी सी आता है बेटा, दैट इज लार वेसिया। ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट होता है और बेटा फ्री फ्लोटिंग होता है। क्या होते हैं ये? फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जिसमें एडल्ट नियोटेनी शो करता है से यस और नो। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब इसके पास टू गिल स्लीट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल अगर देख लोगे दैट इज ओकियो प्लूरा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेक अनदर लुक दैट इज, अब दूसरा सब फाइलम इसी का जो आता है, जिस चीज का नाम अपन सेकेंड कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? सिफेलो कॉर्डेटा। डियर स्टूडेंट्स, यूरो कॉर्डेटा का एक चीज मतलब समझना, यूरो का मतलब क्या होता है? टेल होता है, मतलब कि कॉर्डेट के फीचर प्रेजेंट ओनली एट टेल रीजन। ओके, कहां पर? तो सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में होते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा, टेक अ लुक। सिफेलोकॉर्डेटा में डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट दैट इज नोटोकॉर्ड है बेटा। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होते हैं इसके कहां से? हेड रीजन में। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म मरीन होता है, एक्सक्रीशन जो होता है बेटा इसमें प्रोटो नेफ रीडिया से होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल अगर देखोगे तो इसका एग्जांपल किस टाइप में आपको दिखेगा? तो देख लो भाई, कुछ इस टाइप पे होगा। ठीक है, ये बेटा एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस। ठीक है, इसी पर है।
तो प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम क्या है बेटा? सोलिनो साइट्स है, ठीक है। सिलोम जो होगा इसका, दैट इज एंटीरो सिलोम होगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट होंगे, याद रख लेना। एम्फियोक्सिस रिप्रेजेंट ऑल थ्री कॉर्डेट्स इन एडल्ट स्टेज। एम्फियोक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है ऑल थ्री स्टेज और ऑल थ्री कॉर्डेट कैरेक्टर, ठीक है। अरे बात समझ में, जिसकी एग्जांपल एक ये एम्फियोक्सिस ही है, जिसका दूसरा नाम लैंसलीट्स कहते हैं, ठीक है। और इसी चीज का तीसरा नाम दैट इज ब्रैंकियो स्टोमा कहते हैं, क्योंकि इसका गिल्स इसके माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? ब्रैंकियो स्टोमा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा पहला ग्रुप कंप्लीट हो गया, जिसे अपन एक क्रेनिएटा कहते हैं। अब जो दूसरा ग्रुप होगा क्रेनिएटा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर।